खुद को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है अपने को सजा देना। कुछ लोग साल में पढ़ते हैं, एग्जाम में जब समय आता है दो दिन नींद ही नहीं आती। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं कि सुबह प्रीलिम्स से आईएएस का रात भर नींद ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, ऊपर से तुम प्रेशर में हो तो तुम आता हुआ आंसर भूल जाते हो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है, ये इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा? हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहां डाइजेस्ट कर, तुम्हारा सबकॉन्शियस सो रहा है, तुम 15 जानते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आए, खत्म। जिसके पास टैलेंट है वो जीतेगा। कबीर को देखो, जुला के बैठे हैं, एनलाइटेंड लोग हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। लड़ाइयां ताकत के बल पे नहीं लड़ जाती। देखो ऐसे आईएएस की तैयारी भी है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ये देखो, ये रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों का सिलेक्शन होता है, सिराज जैसे लोगों का नहीं होता। इतनी किताब खरीद लाए, उसी में दब के मर गए। इन्हीं सब चीजों को वो प्री में क्वेश्चन बना के तो पूछेगा, और अलग से कहां पूछेगा? तो आईएएस की तैयारी का मतलब क्या, पहला स्टेप क्या? प्रिपरेशन ऑफ मेंस। मेंस इज अ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। अब ये सब मेंस में जब पढ़ चुके हो तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद आएगा ना, और प्रीलिम्स में तो 4 ऑप्शन देते हैं। अगर सपने में भी कभी पढ़े होगे तो याद तो देख लो कौन सा सही है। लेकिन तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, ऊपर से तुम प्रेशर में हो तो तुम आता हुआ आंसर भूल जाते हो। फिर तुमको बता दिया जाता है कि तुम मीडियम वाले पास नहीं, जिसके पास टैलेंट है वो जीतेगा। कबीर को देखो, जुला के बैठे हैं, लाइटेंड लोग हैं। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो तुम नीचे नहीं जाओगे। 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार है, ओवरथिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। एक दो संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं। जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब वो बंद मस्का वाला सुबह 7 बजे आकर गुटखा मुंह में डाल लेगा। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाते जहर हो। अरे भैया हम कहीं जितना कमा रहे हो ना ये सब अस्पताल में चला जाएगा। एक गुर्देव पे है ना दो बन मस्का वाले, एक है उसमें वो 7 बजे। प्राणायाम करो यार, स्ट्रेस हो रहा है। मैं समझ रहा हूं तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रही है, तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा पत्ती हो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा? हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहां डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो, तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, मस्तिष्क चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे।